आज हम बनाने वाले हैं कच्चा अंडा। जी हाँ, कच्चा अंडा, जिसके लिए हमें लगेगा एक साबुत अंडा, जिसको मैंने कुछ इस तरह से फोड़ के रखा हुआ है। उसके साथ ही मुझे लगेगी मिर्च, नमक और ऑयल, और एक स्पेशल तरीके का चम्मच, ये वाला। ठीक है, अब हम अपना ऑमलेट बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर दूँगी और मैं उस पर थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। हम रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप जो ऑयल घर पे खाते हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं तेल का गर्म होने का इंतज़ार करूँगी, तब तक मैं अपने तेल को पूरे तवे पे फैला लूँगी। जितना मुझे बड़ा ऑमलेट चाहिए उतना बड़ा मैं तेल का लेयर कर दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अंडा पोर करने वाली हूँ। एक बात का ध्यान रखिए, अंडा पोर करने से पहले आपका नमक और आपका मिर्च एकदम तैयार होना चाहिए। तो हम अब अंडा पोर कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमने अंडा पोर कर दिया है। अंडा पोर करते ही स्वाद अनुसार नमक पूरे अंडे में बुरबुरा देंगे। जी हाँ बिल्कुल इस तरीके से। फिर पौन चम्मच मिर्ची, इसको भी हम पूरी तरीके से स्प्रेड कर देंगे ताकि ये सब जगह फैल जाए, कहीं एक जगह ना बचे। अब ये हमने डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे नीचे से और गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। और ये अपने चमचे से लेते हुए थोड़ी बड़ी करनी, ध्यान रहे कि आप इसे ज़्यादा ना फैलाएं। अगर आप इसे ज़्यादा फैला लेंगे तो ये निकालने में आपको मुश्किल होगी। बिल्कुल इस तरीके से आपने इसे निकालना है। आपने देखना है कि ये जहाँ से आपका अभी भी अंडा कच्चा दिख रहा है आपने उसमें एक लाइन मार देनी है और वहाँ पे नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा एकदम हल्का नमक, जिससे कि वो कड़क हो जाए। आप देख सकते हैं कि आपका अंडा ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आपको कच्चा अंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इसमें एक इसको तोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका अंडा स्प्रेड निकल आएगा, स्प्रेड हो जाएगा बाहर और वो कच्चा नहीं बचेगा, कुछ हद तक वो पक जाएगा। लेकिन जब तक अंडा पूरा थोड़ा बहुत कच्चा ना रहे उसका मज़ा नहीं। सो हमारी ऑमलेट तैयार है, हम इसे प्लेट में ले लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी ऑमलेट एकदम रेडी है। अब हम अपनी दूसरी ऑमलेट बनाएंगे, इसके लिए हम सेम विधि यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अंडे को फोल्ड लेना है। ध्यान रहे कि आपकी जो अंडे की जर्दी है वो ना फूटे, वो एकदम अपने शेप में ही कायम रहे।